नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं महावीर आप सभी का एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं मनुष्य का शरीर कितने मिली एम्पियर करंट होता है, सेफ करंट का मान कितना होता है। डेंटिशंस टेक्निकल हेल्पर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो एक दो क्वेश्चन से जो टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम 2018 में पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अर्थात इसके टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानने के लिए ऑप्शन पर उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप उसको पूरा वॉच कर लीजिएगा। आपके इस तरह के जो भी कन्फ्यूजन है आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिससे दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है, जो कि टेक्निकल हेल्पर 25 अगस्त को पूछा गया था। 3 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 25 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 30 मिली एम्पियर, ऑप्शन ई 50 मिली एम्पियर, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कि ई दिया गया है 50 मिली एम्पियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं 15 मिली एम्पियर, 25, 30, ये जो भी है, जो कि 3 में तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी 10, 15, 25, 30, 50 तक 100, 200 जो भी दिया गया है, इन 10 मिली एम्पियर से लेकर जो कि 50 दिया गया है इसमें, तो इसमें से 10 से ऊपर जो जो बढ़ते जाएंगे, जो जो ही बिजली का झटका खतरनाक होता जाएगा। लेकिन इसने पूछा दर्दनाक बिजली का झटका, जो ऑप्शन में ज़्यादा दिया गया है वही आपका आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ई 50 मिली एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है, जो कि टेक्निकल हेल्पर 25 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन ई 10 मिली एम्पियर, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मिली एम्पियर। मानव बिना क्षति के 15 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों आप इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इनमें से किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है, जो कि टेक्निकल हेल्पर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एलोन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी झाग, ऑप्शन डी ध्रुवीकृत रसायन, ऑप्शन ई बालू, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एलोन। बिजली की तारों के द्वारा उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है, जो भी ये अग्निशामक यंत्र है CTC। CTC दे नहीं रखा तो इसका आंसर एलोन ही होगा। ऑप्शन बी में दिया रखा है पानी, जबकि पानी का यूज किया जाता है श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए। श्रेणी ए में जूट, कपास, कागज से लगी हुई आग आते हैं। तो गाइस आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी, तो आप इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। थैंक्स।